दोस्तों नमस्कार, श्री राम। दोस्तों हमारे यहाँ पर मनोज शर्मा जी जो हनुमान दल चलाते हैं, वो यहाँ से जो टूटे फूटे भगवान हैं या जैसे खंडित हो जाते हैं और पूजा की सामग्री को इकट्ठा करके ये छोटे हरिद्वार पहुँचाते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम अब मिलते हैं मनोज शर्मा जी से ही। मनोज जी। जी भाई साहब, आप बताएं आप कैसे क्या करते हैं। जी भाई साहब, कुछ लोग हैं भगवान को मानते हैं और फिर उनको रोड पर डाल देते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय हनुमान दल ने एक योजना बनाई और योजना के पहला काम यही रखा कि भाई जितने भी भगवान जो रोड पे हैं, लोग फेंक देते हैं घरों से निकाल के, उनको इकट्ठा करके और पवित्र जल में या फिर उनका एक समाधि बना के उनको रख दिया जाए अंदर, बहुत पैरों में नहाए। बहुत बढ़िया काम है शर्मा जी आपका। हमारे मित्र हैं और बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं हमारे शर्मा जी। और आप लोग सुन लें, जितने भी हैं, अगर आप ये जो पूजा की सामग्री है या खंडित भगवान होते हैं, इनको एकत्र करके या तो जल प्रवाह में कर दें या गड्ढा खोदकर उसको उसमें हमारी जो धरती माता है उसमें उसमें मिला दें तो अच्छा रहता है। ये ऐसे पैरों में सामग्री भगवान जाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे शर्मा जी ने जो ये कार्य शुरू किया है बहुत बढ़िया, मैं इन्हें बधाई देता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये हमारी नंदनगरी शिव मंदिर देशराज वाले मंदिर के सामने ये भगवान जितने भी हमारे यहाँ खंडित हैं या पूजा की सामग्री है या पीपल देवता के नीचे यहाँ से ये कीर्तित्र करने आए हैं। इनकी संस्था के रिक्शे भी चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए। ये शर्मा जी का बड़ा नेक काम है, हम शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद श्री रमेश कुमार बिसाइया जी ने इनका नंबर हमें दिया और इनको फ़ोन करके सूचना दी और ये हमारे यहाँ क्षेत्र में आ गए हैं। हम निगम पार्षद जी का भी धन्यवाद करते हैं। और देखिए, ये हमारे एक शर्मा जी ने इस चबूतरा खंडित हो गया था, योगेंद्र मिश्रा नाम के पंडित जी हैं जिन्होंने इस चबूतरे का निर्माण कराया है। ये बिल्कुल खंडित हो गया था जिससे हमारे ये पीपल देवता की जड़ें जो हैं दिख रही थी, मिट्टी डलवाई है और काम करा रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बस जी बस जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये ले लो हनुमान जी, अरे हाँ ये रहे, देखिए गाय छाया में बैठी है, पीपल लगाना। और मेरी एक बात और है कि जितने भी मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही हो, एक पेड़ रोज लगवाएं, पेड़ लगाएं और लोगों से भी लगवाएं, दोस्तों से भी लगवाएं, मित्रों से भी लगवाएं, रिश्तेदारों से भी लगवाएं। पेड़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, ये इतनी जलती हुई चिमनी दे के जाएंगे? नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और उनको हम एक धरोहर दे के जाएंगे। पेड़ लगाकर हम उनको उनके सांस लेने की जो ये प्रणाली है इसको दे के जाएंगे। शर्मा जी नेक काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि शर्मा जी ये बिजनेस कर रहे हों, शर्मा जी का अपना कारोबार है। और देखिए किस तरह से इनका बड़प्पन है कि किस तरह से ये सामानों को एकत्रित करते हैं खुद भी और संस्था के लोगों के साथ मिलकर, और रिक्शा लगा रखे हैं। हम तो शर्मा जी से कहेंगे एक रिक्शा हमारा यहाँ नंद नगरी में परमानेंट लगा दीजिए। और ये शादरा खेड़ा गांव से खुद आए हैं लेने सामान, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, मेहरबानी। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों ये हमारा मैन नंद नगरी टांगा स्टैंड है और यहाँ सब सामान मिल जाता है। इधर देखिए मटके बिक रहे हैं, इधर मटके बिक रहे हैं ठीक। और आज लोग गर्मी बहुत है, कूलर का सामान लेने आए हैं, कूलर का देखिए, कूलर का सामान लेने आए हैं।
हमारे साधु भाई हैं, ये कूलर ठीक कर रहे हैं और ये सामान लिया है। मैं रण सिंह बागड़ी, यहाँ सब सामान मिल जाता है, सुई से लेके बड़ी बड़ी मशीनें भी धुलवाए थे, तलवार भी मिल जाते हैं। ऐसे मजाक कर रहे हैं, तलवार नहीं मिलती लेकिन यहाँ सब सामान मिल जाता है। ये हमारे भाई मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ सब सामान मिल जाता है। ये हार्डवेयर की दुकान है इनकी, बहुत पुरानी है, इनके दादाजी बैठते थे बच्चे के, इनके दादाजी से भी हमने सामान लिया हुआ है, दादी बैठती थी यहाँ। तो आज बड़ी गर्मी है और मैंने आज कूलर ठीक कराया है, और पहले वाला कूलर हवा नहीं दे रहा, दूसरा कूलर जो लोहे का था उसको करवा रहा हूँ। ये देखिए हमारी भाभी जी क्या कह रही हैं, क्या कह रही हो आप? यही कह रही हूँ। ये हमारे दर्शक देखेंगे वो क्या कहेंगे, इनकी भाभी क्या बोल रही हैं। वो देखो ये भतीजा बैठा हुआ है, ये हमारी बहू खड़ी हैं। रीमा इधर को देख लो बेटा, सही है बढ़िया है, हवा तो खाएगा ठंडी। ये कह रही हैं कि हवा तो खाएगा। अब देखो ये हमारे बड़े भाई और हमारे साधु भाई हैं, ये कूलर में लग रहे हैं, इनका नाम है, इधर देख लो, नाम बताओ अपना, नाम चुन्नू नाम से फेमस है ये आपको? चुन्नू नाम से फेमस बताइए। ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साधु भाई हैं, तो हमारे भी साधु भाई हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये कूलर साफ कर रहे हैं। आ गया, अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है? ये है राजो के पोते, नहाते न धोते, गंदा बाबू नहीं है, अच्छा बाबू है ये। ये आ गया है हर्षित बागड़ी, ये आ गई है, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताओ। मेरा नाम टिंकल है। टिंकल, मेरा नाम खुशान बागड़ी। अच्छा, ओके दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आगे मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। धन्यवाद आपका सभी का।